शुक्रवार को दिल्ली के बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को भंग करने की मांग। दिल्ली के बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दिल्ली सरकार को भंग करने की मांग की। बीजेपी विधायकों ने 5 महीने से विधानसभा सत्र नहीं बुलाने, फाइनेंस कमीशन का गठन न होने और कैबिनेट की बैठक नहीं होने की शिकायत की है। राष्ट्रपति महोदया से ये मांग की मेमोरेंडम के देकर देते हुए कि दिल्ली की सरकार को तुरंत भंग किया जाए क्योंकि ये मॉरल राइट खो चुकी है, ये कंप्लीट फेलियर है, सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।